ज़ॉम्बीज क्या होते हैं ये तो सबको पता है। हाँ, वही चलती फिरती लाशें जो इंसानों को काट के अपने जैसा बना लेती हैं। और फिर ये सब कुछ फैलता जाता है और पूरी दुनिया में आ जाता है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में दोस्त दोस्त ना रहा, आपका भेजा खाने के लिए वही दोस्त आपके पीछे आ रहा। देखो, ऐसा लगता है कि ये सारी बातें फिल्मों में ही होती है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि आज के जमाने में छोटी सी साइंटिफिक मिस्टेक ऐसे किसी भी वायरस को कभी भी फैला सकती है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पर विश्वास रखते हो या नहीं, मैंने तो आपके लिए पहले से ही एक पूरा सर्वाइवल मैनुअल बनाकर रख दिया है जो ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद आपकी जिंदा रहने में पूरी मदद करेगा। तो देख रहे हो कितना प्यार है मुझे तुम लोगों से। तो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के दौरान क्या करें और क्या नहीं, कैसे जिंदा बचे रहना है, इस बात की पूरी नॉलेज दूंगा मैं आज के फाड़ू वीडियो में। भैया, ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लोग इधर उधर भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब क्या होगा? जो भी होगा ऑब्वियसली बुरा ही होगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि भैया आपने देख रखा है गौरव कटारे एक्स्ट्रा का टिप्स टू सर्वाइवल वाला वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हाइडिंग प्लेस ढूंढना है। तो अगर आप किसी बिल्डिंग में या किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये, बिल्डिंग के एंट्री गेट को बंद कर दो। तो आप जिस फ्लोर पर रहते हो वहां पर एंट्री का जो भी रास्ता है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दो। लेकिन अगर आपके फ्लोर पर भी ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं तो बाहर जाने की गलती मत करना। आपको अपने अपार्टमेंट के अंदर रहना है और एंट्री डोर को पूरी तरीके से बंद कर देना है। घर के अंदर का जितना भी फर्नीचर है, टेबल, कुर्सी, बिस्तर, सब कुछ अड़ा दो दरवाजे पर, कि कोई भी कितनी भी ताकत से धक्का मारे आपके कमरे का दरवाजा खुल ना पाए। और वैसे भी अब आपकी टेबल कुर्सी का काम ही क्या बचा है, ना आपको पढ़ाई करनी है ना ही कोई जॉब करनी है, तो घर का सारा फर्नीचर काम आएगा आपकी जान बचाने के लिए। अब आप बोलोगे, गौरव भाई ये तो तुम उल्टी सलाह दे रहे हो, हमें घर में छुपकर नहीं रहना चाहिए बल्कि हमें तो भागकर किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। तो रुको, जरा सब्र करो, भागेंगे लेकिन पूरी तैयारी के साथ। देखो, ज़ॉम्बी वायरस फैलने के कुछ महीनों तक तो आपके घर में लाइट रहेगी और टीवी रेडियो भी कुछ हफ्तों तक काम जरूर करेंगे। तो सबसे पहला आपको ये काम करना है कि अपने अपार्टमेंट या अपने घर की लाइट्स को बंद कर दो, ताकि रात के समय दूर से किसी को पता ना चल पाए कि इस घर के अंदर कोई रहता है। और हाँ, अपने टीवी और रेडियो को ऑन जरूर रखना और उनका वॉल्यूम इतना कम रखना कि केवल उनकी आवाज आपको ही सुनाई दे, क्योंकि टीवी और रेडियो के जरिए ही गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शंस दे पाएगी, बता पाएगी कि कहां पर कैसे हालात है और आपको क्या करना चाहिए। या तो आप उसका सर काट दीजिए या फिर उसका दिमाग नष्ट कर दीजिए। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के मेंबर जितने भी हैं सबको कॉल लगाओ, और अगर उनमें से कोई भी जिंदा बचा है तो उन सबको एक जगह इकट्ठा होने के लिए बोलो और सब बाहर साथ में निकलने का एक प्लान बनाओ। क्योंकि याद रखो, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में जितना बड़ा आपका ग्रुप होगा आपके जिंदा रहने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब उस ग्रुप में सभी मेंबर ऐसे होंगे जिन्हें आप पर्सनली जानते हो। कभी भी अनजान लोगों के ग्रुप में अपने आप को सेफ समझने की गलती मत करना, क्योंकि वो लोग कभी भी अपनी जान बचाने के लिए आपको ज़ॉम्बीज के सामने धक्का दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज में कोई डॉक्टर है तो सबसे पहले उसको कॉल लगाना, क्योंकि भाई वो बंदा फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आपने कॉल लगाकर सबको देख लिया है उधर से किसी की आवाज नहीं आ रही या फिर किसी के मांस चबाने की आवाज आ रही है, तो भैया फोन रख के अकेले ही निकलने का कुछ जुगाड़ बनाओ, क्योंकि आपके सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स तो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब ये समय है अकेले चलने का और गाना गाने का, एकला चोलो रे। लेकिन रुको जरा, अभी जरा अपने स्पेशल कपड़े तो पहन लो। जब ज़ॉम्बी वायरस इस दुनिया में फैल चुका होता है तो इस स्पेशल ओकेशन के लिए रॉक एंड रोल वाले कपड़े सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि भैया उनमें होती है लेदर की जैकेट्स और लेदर के ग्लव्स। लेदर के कपड़े आपके शरीर को ज़ॉम्बीज के दांतों से बचाकर रखते हैं। और हाँ, आपको बूट्स पहनने चाहिए, क्योंकि बूट्स भी आपको ज़ॉम्बी की बाइट से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में बूट्स नहीं है तो आपको ऐसा जूता पहनना चाहिए जिसे कर आप बहुत ही कंफर्टेबल होकर दौड़ लगा सको। तो भैया ऐसी कंडीशन में स्पोर्ट्स शूज या स्नीकर्स पहनना ही बेस्ट रहेगा। और हाँ, अपने घर में हेलमेट तो होगा ही, जो आपने गाड़ी चलाते वक्त कभी नहीं लगाया होगा, लेकिन आज उसे लगा लेना। और आपके घर में जो भी क्रिकेट या बेसबॉल का बैट रखा हो उसे एज अ वेपन अपने साथ ले लेना, क्योंकि ऐसे बैट से आप ज़ॉम्बीज का सिर फोड़ पाओगे। और हेलमेट लगाने से आपका चालान तो नहीं कटेगा, साथ ही साथ ज़ॉम्बीज भी आपको नहीं काटेगा। तो अब आपको जाना है ऐसी जगह पर जहां पर रहती हो ठंडक,
क्योंकि भैया ज़ोंबीज़ को ठंड से हेट है। मतलब जहाँ पर होती है ठंड वहाँ पर ज़ोंबीज़ नहीं जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर के फ्रिज को खोलकर उसमें जाके बैठ जाओ, क्योंकि आपके फ्रिज में इतना खाना तो नहीं है जो आपको सालों साल जिंदा रख सके। तो भैया अब हमने सारी तैयारियां कर ली है बाहर जाने की, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बाहर जा ही क्यों रहे हैं। तो हम बाहर जा रहे हैं खाने की जुगाड़ करने। देखो, आप चाहो घर में रुको या घर से बाहर निकल जाओ, आपके पास होना चाहिए बहुत सारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और सुनो, ये सब मैं बॉडी बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब तुम्हें लंबे समय तक सरवाइव करने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि ज्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते हो तो ये लंबे समय तक कम फूड में आपकी भूख को रोक कर रखेंगे और आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी देंगे। और अगर आप अपने घर में घुसे हुए हो और आपके घर में कुछ भी नहीं है मैगी के सिवा, भैया मैगी से आपको वो एनर्जी तो नहीं मिलने वाली जिससे आप ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर पाओ। तो अब समय है सुपरमार्केट की तरफ दौड़ लगाने का। देखो, ये सबसे बुरा ऑप्शन है, क्योंकि भाई सुपरमार्केट में आप ही की तरह सोच रखने वाले हजारों लोग होंगे जो मार्केट में खाना लूट रहे होंगे, और जहां पर होती है ज्यादा भीड़ वहां पर होता है ज़ॉम्बीज़ के खतरे का सबसे ज्यादा चांस। लेकिन भैया क्या कर सकते हो, अब आपकी मजबूरी है, आपको ज़ॉम्बीज़ से भरे हुए सुपरमार्केट में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि भैया ज़ॉम्बीज़ की बाइट से मरना भूख से मरने से तो काफी अच्छा है। और ध्यान रखना, आपके घर पर पानी का एक बढ़िया स्टोरेज जरूर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर सुपरमार्केट से खाने के साथ साथ आपको पानी की बोतल्स भी रख कर लानी पड़ेंगी। इसलिए बोल रहा हूँ अभी से घर में एक अंडरग्राउंड टैंक खुदवा लो, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएगा। लेकिन भैया पानी के साथ साथ एक चीज और जरूरी है, और वो है अल्कोहल। अब आप बोलोगे, अरे गौरव भाई ये तो बड़ी गंदी बात बता रहे हो आप, रुको जरा सबर करो, सब एक्सप्लेन करूंगा मैं अगले पार्ट में। देखो, दारू पीना गंदी बात है, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, लेकिन दारू पीने के अलावा और भी बहुत सारे काम आती है। जैसे कि अगर आपको कोई घाव हो गया है तो आप उसको एज ए सैनिटाइजर यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ज़ॉम्बीज़ को अल्कोहल का यूज करके जिंदा जला सकते हो, या फिर इससे आग लगाकर आप एक स्मोक सिग्नल क्रिएट कर सकते हो ताकि दूर से कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए आपको ढूंढ सके। तो आप चाहो तो मेडिकल स्टोर पे जाके बहुत सारा सैनिटाइजर ले आओ, और अगर नहीं जा सकते हो तो आप जाकर अल्कोहल का जुगाड़ कर सकते हो। और हाँ, अगर आप मेडिकल स्टोर में जा रहे हो तो वहां से फर्स्ट एड किट भी उठा लाना, क्योंकि ये भी आपके बहुत काम आएगी। और उठा लाना बहुत सारी दवाइयां, जैसे कि लूज मोशन, सिर दर्द, पेट दर्द, सर्दी, खांसी, जुखाम, जितनी कॉमन बीमारियां हैं सबकी दवाइयां उठा लाना। और उठा लाना बहुत सारी रुई और बैंडेजेस, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भाई कब आपको कौन सी बीमारी हो जाए। और भैया ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के दौरान आपको डॉक्टर तो मिलने से रहा, तो अब आपको अपना इलाज खुद ही करना पड़ेगा, हो सका तो आपको दूसरों का इलाज भी करना पड़ जाएगा। अब बात आती है सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज की, जो है वेपन्स। तुम लोग सोच रहे हो कि गौरव भाई सारी बातें बता दी, लेकिन हथियारों के बारे में बताना शायद भूल गए। तो भैया हथियार मिलना हलवा है क्या? अपने घर में चाकू छुरी मिल जाएंगे, डंडे मिल जाएंगे, लेकिन पूरी कॉलोनी छान लोगे आप अपनी, आपको एक हथियार नहीं मिलेगा। तो हथियारों की जुगाड़ करने के लिए आपको जाना पड़ेगा या तो किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में, या फिर किसी बैंक या किसी ATM में जहां गार्ड बैठता हो, ताकि आप उसकी बंदूक ले सको। और ये काम भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोई क्यों ही इतनी आसानी से आपको अपना वेपन दे देगा, और दे भी देगा तो कौन सा आपको वेपन चलाना आता है। इसीलिए ऐसे हथियार की जुगाड़ करो जिसे चलाने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जिनमें सबसे बेस्ट होता है हथौड़ा। या फिर किसी हार्डवेयर स्टोर पर आप जाओ तो आप एक अच्छी सी कुल्हाड़ी या फिर कुदाली भी ले सकते हो। कुदाली वही जिससे गड्ढा खोदते हैं, आई डोंट नो कुदाली बोलते हैं या कुछ और, जो भी बोलते कुछ भी हो देख कर समझ जाओगे और उठा लाना। और हाँ, उसके बाद आपको घर में छिपे नहीं रहना है, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़ॉम्बीज को मारने की। जिस भी हथियार को आपने चूज किया है धीरे धीरे एक एक ज़ॉम्बी को मारना शुरू करो, क्योंकि अगर आपके सामने एकदम से कोई ज़ॉम्बी आ गया तो हो सकता है आपको डर लग जाए, आप शॉक में आ जाओ और उस टाइम आप अपना हथियार ना उठा सको। तो रोज एक ज़ॉम्बी मारने की प्रैक्टिस जरूर करना, उससे धीरे धीरे आप ज़ॉम्बी मारने में एक्सपर्ट हो जाओगे। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसीलिए ज़ॉम्बीज को मारने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब आपको अपने पड़ोसी के घर जाना है, किसी मेडिकल स्टोर पर जाना है, या फिर सुपरमार्केट जाना है, आपको ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ेगा जहां पर ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होंगे। तो सबसे पहले तो आपको दूर से ही उस रास्ते को ऑब्जर्व करना है और ज़ॉम्बीज़ के बड़े बड़े झुंडों से बच के रहना है। लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं है तो आप किसी भी साउंड या किसी भी तरीके के नॉइस से उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, अपने रास्ते से हटा सकते हो, और फिर उसके बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सेफली जा सकते हो। और अगर आपके पास कार है और आपको कार चलानी आती है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और फिर आपको तलाश करनी है एक परफेक्ट हाउस की। आप बोलोगे गौरव भाई अपना घर तो अपना ही होता है, लेकिन मेरे भाई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में एक बंगला होना
तो बात ही अलग हो जाती है। ऐसा बंगला जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स हों, जिन्हें ज़ॉम्बीज आराम से चढ़कर क्रॉस ना कर सके। एक ऐसा बड़ा सा बंगला जहाँ पर बहुत सारे लोग एक शेल्टर बनाकर रह सके, क्योंकि जैसा मैंने बताया जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस। तो अगर आप लकी हो गए तो आपको आज नहीं तो कल ऐसा एक घर मिल ही जाएगा। हो सकता है वहाँ पहले से ज़ॉम्बीज हो, तो क्या आप ज़ॉम्बीज को मारने में एक्सपर्ट तो हो ही चुके हो, तो एक एक करके उनका सफाया कर दो और उस घर पे अपना कब्जा कर लो, और फिर ढूंढना करो बाकी सर्वाइवर्स को जो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हो। सबको जोड़कर एक बड़ा ग्रुप बनाओ, अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करो, एक मकान की बजाय धीरे धीरे करके पूरी कॉलोनी पर कब्जा कर लो, एक पूरा का पूरा सेफ जोन क्रिएट कर लो जहां पर आपके पास हो बहुत सारा खाना, बहुत सारे वेपन्स और आपकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे लोग। इससे ना आपको अकेलापन महसूस होगा और ना ही आपको इतना ज्यादा खतरा होगा। तो सब कुछ सेट हो चुका है, नाउ यू कैन लिव लाइक अ किंग। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अपने ग्रुप में कभी भी नेता बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि नेता सबसे पहले ऊपर चले जाते हैं। एनीवे, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये ज़ॉम्बी सर्वाइवल मैनुअल आपको पसंद आया होगा और ये फ्यूचर में आपके काम जरूर आएगा। यार बस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के दौरान, क्या पता हमारी और तुम्हारी मुलाकात हो जाए। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।